हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में एकल संवर्ग में भर्तियों में वेटिंग को लेकर, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये घोषणा की गई थी कि एकल संवर्ग वाले पदों पर भर्ती की जो है प्रतीक्षा सूची निकलेगी, यहाँ पर 25%। जी हाँ, आपने सुना, 25% यहां पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मेरिट में लिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ये जो है पहले जो भर्तियां गतिमान है उनमें लागू होगा, या फिर जो नई भर्ती हैं उनमें लागू होगा, इसका शासन देश कब आएगा, इसको लेकर तमाम अभ्यर्थी जो है परेशान थे। लेकिन अभी आज एक बड़ी खबर आ रही है कि इसका जियो बहुत ही जल्द जारी हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, इसका जियो बहुत ही जल्द जारी हो सकता है। पहले इस खबर को सुन लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइज, आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अपनी अंतिम समाप्ति पर हैं, और बहुत ही जल्द उत्तराखंड के जो एकल संवर्ग पद हैं, जिसमें पुलिस कांस्टेबल हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, तमाम ऐसे पद हैं जिनमें आपको बहुत ही जल्द जो है वेटिंग लिस्ट का जियो जारी होते हुए नज़र आएगा। क्योंकि अभी वो फाइल जो है शैलेश बगोली जो कि सचिव हैं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के, उनके पास अभी फाइल पड़ी है, जैसा कि अभी ये ऑडियो में जो है सुनाई दे रहा है। अब ये देखना बाकी है कि वाकई में कब तक ये जियो जारी हो सकता है। बाकी इस खबर में आपकी क्या राय है यार, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।